कोटा में रखी गहलोत धारीवाल की मूर्तियों को लेकर बड़ा बयान। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नवलगढ़ में दिया बड़ा बयान। कहा, मूर्तियां महापुरुषों की लगती है जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र को दिया। जिन लोगों ने मूर्तियां लगवाई वो खुद सोचे नैतिकता है क्या। दो दिन के झुंझुनू दौरे पर नवलगढ़ पहुंचे थे यूडीएच मंत्री खर्रा। बिसाऊ बगड़ समेत अन्य निकायों के कैंपों को करेंगे निरीक्षण। नवलगढ़ पहुंचने पर पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी के नेतृत्व में स्वागत। भाजपा नेता विशंबर पूनिया ने भी मंत्री खर्रा का स्वागत। झुंझुनू की नवलगढ़ से बड़ी खबर है। दो दिन की यात्रा पर झुंझुनू पहुंचे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कोटा के चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट के लिए बनाई गई तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल व दो अन्य की मूर्तियों के मामले में बड़ा बयान देते हुए इसे नैतिकता का प्रश्न बताया है। झुंझुनू के नवलगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि विकास बहुत जरूरी है। विकास में भ्रष्टाचार और अनियमितता की चर्चा होती है तो वो गलत है। रही बात मूर्तियों की, तो मूर्तियों महापुरुषों की लगती है जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र को अर्पण किया हो। अब कोटा में बनाई गई मूर्तियां नैतिक का प्रश्न है। जिन लोगों ने मूर्तियां लगवाई वो खुद सोचे कि ये नैतिक है या फिर अनैतिक। वैसे ज्यादा इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते। इससे पहले झुंझुनू सीकर बॉर्डर पर पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी तथा भाजपा नेता विशंबर पूनिया की अगुवाई में यूडीएच मंत्री का स्वागत किया गया। इसके बाद यूडीएच मंत्री खर्रा नवलगढ़ के किसान छात्रावास पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए। किसान छात्रावास के पदाधिकारियों द्वारा खर्रा का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि खर्रा दो दिन के झुंझुनू दौरे पर आए हैं। वे आज बिसाऊ और बगड़ में आयोजित विकसित भारत संकल्प शिविरों का भी जायजा लेंगे। इसके अलावा स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ साथ अधिकारियों से भी जिले के निकाय क्षेत्रों के विकास को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, विकास बहुत जरूरी है, लेकिन विकास में अगर भ्रष्टाचार की या अनियमितता की चर्चाएं होती है वो बहुत गलत है। और मूर्तियां महापुरुषों की लगती है जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया हो। अब ये नैतिकता का प्रश्न है। जिन लोगों ने भी अपनी मूर्तियां लगवाई वो खुद सोचेंगे ये नैतिक है या अनैतिक है। मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।